भारतीय मुद्रा कोई मजाक का विषय नहीं है। हम नहीं चाहते कि देश की मुद्रा के बारे में कोई विदेश व्यक्ति ये बोले, अरे ये नोट कब तक रहेगा यार, इसका ध्यान रखना थोड़ा। क्रेडिबिलिटी जिसको हम कहते हैं साख, क्रेडिबिलिटी ऑफ द करेंसी इज एट स्टेक। आज भारतीय करेंसी मजाक का पात्र बना दिया आपने। कब आप कौन से नोट के कब कौन सी घोषणा कर दो, जब क्रेडिबिलिटी की साख पे, मुद्रा की साख पे प्रश्न चिन्ह आ जाता है, तो एक्सचेंज वैल्यू जो मुद्रा की है, एक्सेप्टेबिलिटी जो मुद्रा की है, वो कमजोर बढ़ जाती है। और इन सारे मुद्दों से ब्लैक मनी कीपर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बिना नाम, बिना आधार कार्ड, बिना पैन कार्ड, मुंह पे मास्क भी लगा के जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है उसको। वहां जाए, जितना पैसा उसके पास 2000 के नोट में है, एक्सचेंज करा के वापस आ जाए। पर इफेक्ट किसको पड़ा? एमएसएमईस को, किसान को, लोअर इनकम ग्रुप को, मिडिल इनकम ग्रुप को। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म होगी, जीडीपी और नीचे गिरेगी, रियल इनकम जो है देश के लोगों की, जो वास्तविक आय है, वो और नीचे आएगी। इसलिए हमने ये वापिस पुनः सरकार से पूछना चाहते हैं कि 7वीं एनिवर्सरी आपकी ऑर्गेनाइज लूट की आने वाली है, 2016 नवंबर से अब 2023 नवंबर आना वाला है। उससे पहले ये दो हजार का नोट सरकार ने निकाला क्यों था, पहले तो वो समझा दे। कौन वो महान अर्थशास्त्री थे? क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उन अर्थशास्त्रियों को देखना चाहता हूँ, उनको छूना चाहता हूँ, जिन्होंने ये नोटबंदी और 2000 के नोट निकालने का निर्णय किया। हम ये भी मांग करते हैं कि एक पूरा व्हाइट पेपर लेके आए कि वाई 2000 रुपीज नोट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, हु ऑल वर देयर, हु वॉज सेइंग कि ये 2000 के नोट से काला धन खत्म हो जाएगा। मैं उन सब लोगों को मिलना चाहता है, देश के लोग। वो कौन से लोग और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बोला कि भाई इस 2000 के नोट में चिप भी डाली हुई है? चिप का भयंकर संकट है देश में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री त्रस्त है चिप के संकट से। तो वो चिप के संकट से के कारण इसको वापस लिया है, किस कारण से इसको वापस लिया है? 2000 का नोट वापस एक्सचेंज करने का निर्णय क्यों लिया गया? पहले तो ये बताएं कि क्यों लाया गया, और फिर ये बताएं कि इसको वापस क्यों लिया जा रहा है। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। एक कंपोजिट व्हाइट पेपर वी डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको नहीं लगा जब पार्टी ने राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया, प्राण प्रतिष्ठा को, उसके बाद आपने मुझे कभी टीवी शो में देखा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा? मैंने प्रयास किया कांग्रेस के हर बड़े नेता को इस बारे में अपनी भावनाओं को अवगत कराने का, पर जब उन्होंने मेरी भावनाओं से अपने आप को अलाइन नहीं पाया, तो मुझे लगा कि जब मेरे धर्म के ऊपर प्रश्न लग रहा है, सनातन संस्कृति पे प्रश्न लग रहा है, मैं आज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नीतियों का विरोध कर रहा हूँ जो पीवी नरसिम्हा राव साहब ने, मनमोहन सिंह जी ने देश को दी। क्या देश में वेल्थ क्रिएशन पाप है? क्या जुर्म है? क्या पूंजी लगाकर, अपने आइडिया लगाकर मुनाफा कमाना गलत है? तो सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दो, सुबह से शाम सनातन धर्म के खिलाफ जो बोल रहे हैं उस पे चुप्पी धारण करके रखो, कोई मुंह से कुछ मत बोलो। और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को 3 महीने हो गए। क्या आप पहले बोला कि हम उस इवेंट में नहीं जाएंगे? 3 महीने तो कोई इवेंट नहीं था, क्यों गए? क्या कारण था, क्यों नहीं गए? तो इन चीजों के बाद मैंने पहले प्रयास किया, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्ति को सबसे पहले अपनी भावनाओं को सबसे अवगत कराना चाहिए। और ये ऐसी कंडीशंस थी जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, अनकॉम्प्रोमाइजेबल कंडीशंस थी। अनकॉम्प्रोमाइजेबल कंडीशंस पर जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तो मैंने अपना निर्णय लिया। बीजेपी का आप आए, मेरा आप अभी तक इसका मतलब मेरी स्पिरिट नहीं समझ पाए। आपको मैं प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दूं और आप मेरे को लिखित में दो, नहीं आएंगे? आप करते हो क्या ऐसा? आपको मैं अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करूं, आप लिख के दोगे नहीं आऊंगा? आप भगवान के सामने पाप कर रहे हो। और मेरे माताजी मुझे बचपन में कहानी सुनाती थी, वो मेरे जहन में अभी आज पूरे सुबह से वही है कि
कि जब तक भगवान का अनुमति नहीं होती कोई भी व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। मैं तो आज भगवान श्री राम से, अपने परमपिता ईश्वर से ये कामना करूंगा कि वो सद्बुद्धि दे कांग्रेस पार्टी के लोगों को, और वो सनातन के खिलाफ बोलना बंद करें, वो अपनी खुद की नीतियों के आलोचना करना बंद करें, और देश में एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं उसकी भूमिका को वो पूरा करें। एक अंतिम सवाल है, बिल्कुल मैं मानता नहीं हूँ आपकी, शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं क्या मानता हूँ, मेरी कोई हैसियत ही नहीं मानने नहीं मानने की। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ईश्वर के इन्विटेशन की जो अवहेलना करता है वो पापी होता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं क्या मांगता हूँ, मेरी हैसियत ही नहीं है ये बोलने की कि मैं मान रहा हूँ कि नहीं मान रहा। किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ, मैं किसी व्यक्ति की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर आपको कांग्रेस, मुझे जैसे तुच्छ आदमी को तो इन्विटेशन ही नहीं मिला, अगर मिलता तो 3 दिन पहले वहाँ पहुँचता मैं। हम तो इतने छोटे आदमी हैं कि नहीं मिला, पर हम गए बाद में, जब देश के अन्य लोग गए हम भी गए, दर्शन करके आए, परिवार सहित गए, दर्शन करके आए, आगे भी जाएंगे। सनातन के ऊपर कोई गाली देगा स्वीकार नहीं करेंगे, वेल्थ क्रिएटर्स को अपशब्द नहीं बोलेंगे, हर विनिवेश का आलोचना नहीं करेंगे। एयर इंडिया एक ग्रुप ने खरीदा, कांग्रेस पार्टी आलोचना कर रही है उसकी, उस ग्रुप की आलोचना कर रही है, उनको पता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी मोदी जी की आलोचना करते करते इस स्तर पे आ गई है कि वो अपनी स्वयं की आलोचना करने लग गई है। तो मुझे लगता है इस बोध से कांग्रेस पार्टी अगर निकले तो अच्छी बात है, क्योंकि सकारात्मक सुझाव की जरूरत हर सरकार को होती है, और मैंने कभी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिसीज की जब आलोचना की है तो हर प्रेस वार्ता में ये भी बताया कि क्या करना चाहिए। अदरवाइज आई कैन से यू आर बैड, बट व्हाई यू आर बैड और व्हाई यू आर गुड, आई शुड शेयर द रीजंस एंड कंसर्न्स रिगार्डिंग दैट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।